दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल डीसी शंट मोटर एंड इलेक्ट्रिकल डीसी सीरीज मोटर। इलेक्ट्रिकल डीसी शंट मोटर और इलेक्ट्रिकल डीसी सीरीज मोटर के बीच में डिफरेंस क्या है, आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। दोस्तों डीसी शंट मोटर का दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत ही लो होता है दोस्तों। दूसरी तरफ दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत ही हाई होता है। डीसी शंट मोटर का फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोस्तों पैरेलली कनेक्टेड रहता है। दूसरी तरफ डीसी सीरीज मोटर का फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोस्तों सीरीज में कनेक्टेड रहता है। डीसी शंट मोटर जो होता है दोस्तों लेद मशीन में यूज किया जाता है, फैन में यूज किया जाता है और दोस्तों फीड पंप में भी किया जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों डीसी सीरीज मोटर जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में यूज किया जाता है। डीसी शंट मोटर को दोस्तों कांस्टेंट स्पीड मोटर भी कहा जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का स्पीड जो होता है दोस्तों वो लोड के ऊपर वेरी करता है। डीसी शंट मोटर का फील्ड वाइंडिंग का दोस्तों जो वायर रहता है वो बहुत ही थिन रहता है और इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है और इसका वाइंडिंग का दोस्तों नंबर ऑफ टर्न जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरी तरफ डीसी सीरीज मोटर का फील्ड वाइंडिंग का जो वायर रहता है वो बहुत ही थिक रहता है, मतलब दोस्तों मोटा रहता है और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों और इसका जो नंबर ऑफ टर्न होता है बहुत ही कम होता है।